सिग्नल भेजने की पावर क्या है? आसान भाषा में समझाता हूँ। एक छोटा सा आपके हाथ में वॉच है, उस पर अगर आप एक बार डिप करते हैं, क्लिक करते हैं, तो लाइट जलती है। वो लाइट कितनी दूर तक जा सकती है अंधेरे में? बहुत खुश हुआ, 3 फीट, हाँ या ना? उसमें सेल कौन सा लगा हुआ है? या तो आप USB से चार्ज करते होंगे या सेल बैटरी होगी, ठीक बात है। तो उसका मैक्सिमम रेंज कितना हुआ? 3 फीट, ठीक। टावर यहाँ से कितनी दूर है? कम से कम 1 किलोमीटर। ये सबसे जो रिसेंट है आपका, तो जो लाइट 3 फीट नहीं जा सकती है, वो 1 किलोमीटर जाके टावर कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश कर रही है? इसका मतलब आपके मोबाइल तक डेटा पहुंच रहा है, आपके मोबाइल तक सिग्नल पहुंच रहा है, उसके पास हाई फ्रिक्वेंसी है, वो सिग्नल आपकी जेब तक पहुंचा रहा है, इवन अंडर बेसमेंट में भी पहुंचा रहा है। अगर यहाँ आसपास कोई अंडर बेसमेंट कोई कंस्ट्रक्शन है, आप उसमें पहली सीढ़ी पर पैर रखिएगा, जमीन से नीचे आपका एक जिसको आप लोग आम भाषा में खुट्टी बोलते हैं, वो एक डाउन हो जाएगा। 3 सीढ़ी नीचे उतरिए, आधा हो जाएगा। 5वीं सीढ़ी जाइए, 0। मतलब उसके सिग्नल का स्ट्रेंथ वहाँ जाके टूट जा रहा है। मोबाइल बस 3 फीट या 5 फीट तक के रेंज को ही कैप्चर करती है। इसके पल्सेस कहाँ तक जाएंगे? 5 फीट तक, बस बस। दिमाग खुला? और इसका जायज आंसर मैंने दिया है, इसमें 3000 mAh या 10000 mAh का बैटरी है, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह इसका स्ट्रेंथ है। ये वाट कितना है? वाट से ही ना बिजली को नापते हैं। आपकी LED लाइट 8 वाट की जलती है तो कितनी रोशनी देती है, और यह 40 वाट की है कितनी रोशनी देती है? बात सही है, लेकिन 40 वाट की रोशनी कितनी भी रोशनी दे, क्या उस टावर तक पहुंच रही है क्या? स्ट्रेंथ समझ में आ गया? तो 40 वाट के बिजली में स्ट्रेंथ इतना नहीं है, तो 4 वाट में कितना स्ट्रेंथ होगा? इसीलिए अगर किसी ने कोई आपको दिमाग दिया हो कि इंटरनेट सैटेलाइट से पहुंचता है, तो पूरी बकवास बात है। उसके पास इतनी बड़ी मशीन है सैटेलाइट के पास कि वो उतनी दूर फेंक सके। आपके पास इतना है कि पहले तो पूरा अर्थ के ऊपर आपका एटमोस्फियर कितना किलोमीटर है? 3500, 7 लेयर में, हाँ या ना? वाया प्रेम सर, 3500 है किलोमीटर, तो 3500 किलोमीटर आपका मोबाइल रेंज भेज सकता है। तो जब भेजेगा नहीं तो रिक्वेस्ट जाएगी नहीं तो यूट्यूब में और फेसबुक में दिखाएगा क्या? सो सैटेलाइट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नेटवर्किंग और इंटरनेट, इज इट क्लियर? और इन चारों बॉडीज में जहां हम यूजर लिख रहे हैं, चौथा में, इन सब का कहानी समझ में आ गया? TR1 फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, TR1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर